So our today's topic is building temples, mosques and tents. अब इसमें क्या है कि rulers जो थे ना, rulers of that time, they built beautiful temples and mosques to win the support of the people. For example, they built temples to get the support of Hindu population. And they built mosques to get the support of Muslim population. The rulers built temples and mosques. And on the other hand, they also built these temples and mosques because they wanted to show how powerful they were, how rich and powerful they were. They placed expensive statues of gods and goddesses in these temples. बहुत से आपको कि गोल्ड के स्टैचूज उस टेंपल्स में वो टेंपल्स में रखवाते थे टू शो हाउ पावरफुल एंड रिच दे वर. एक वेल्थ शो करने के लिए डिवोशन भी शो करते थे कि रूलर्स डिवोशन के कैसे वो भगवान में विश्वास करते हैं. ठीक है, लोगों को शो ऑफ करते थे कि वो पावरफुल भी हैं, रिच भी हैं एंड वो रिलीजन में भी बिलीव करते हैं, तभी वो टेम्पल्स एंड मॉस्क्यूज बनाते थे. टेम्पल्स एंड मॉस्क्यूज बनाने से ये सॉल्व होता था कि रूलर जो है ना वो हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करता है. तो इस वे से अब हियर टेक द एग्जांपल ऑफ द राजा राजेश्वर टेम्पल. राजा राजेश्वर टेम्पल में ऐसी क्या बात थी, अब वहां पे एक इंस्क्रिप्शन पाया गया है, मेंशंस दैट इट वॉज बिल्ट बाय किंग राजा देवा. राजा राजेश्वर टेम्पल वॉज बिल्ट बाय राजा देवा. यस्टरडे आई हैव टोल्ड यू कि अगर आप कुतुब मीनार जाते हो वहां पे आप प्रॉपर आपको प्रॉपर हिस्ट्री लिखी हुई मिलेगी, किसने बनाया, कब बनाया, हु कंप्लीटेड द टास्क. फॉर एग्जांपल स्टार्टेड बाय कुतुबुद्दीन बट कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश. ठीक है, प्रॉपर हिस्ट्री मिलेगी. तो अगर हम राजा राजेश्वर टेम्पल की बात करें तो वहां पे भी एक इंस्क्रिप्शन है. दैट इंस्क्रिप्शन told that this temple was built by Raja Deva for the worship of his god. ab yahan pe aapko ek cheez similar lagi, name of ruler and god both were similar. dekho maine bola Raja Rajeshwar temple, fir main keh rahi hu built by Raja Deva, aapko similar nahi laga unka name, ruler ka name and god ka name ek jaisa nahi laga, वो ऐसे ही करते थे, अपने नाम के साथ मैच करते थे, सिमिलर होते थे नेम. किंग टुक गॉड्स नेम बिकॉज ही वांटेड टू अपीयर लाइक अ गॉड. वो अपने सब्जेक्ट्स पता है प्रजा, उसको शो करना चाहते थे कि उनके लिए किंग जो है ना दैट इज जस्ट लाइक अ गॉड. किंग वांटेड टू अपीयर लाइक अ गॉड, इसलिए वो उनके साथ अपने नाम मैच करते थे. बिकॉज यहाँ पे किंग क्या शो करते थे अपने आप को, गॉड फॉर देअर सब्जेक्ट्स, कि वो अपने सब्जेक्ट्स के लिए अपनी प्रजा के लिए वो गॉड ही है. थ्रू द रिचुअल्स ऑफ वर्शिप इन टेम्पल वन गॉड ऑनर्ड अनदर. अब अपने आप सोचो कि राजा देवा राजा राजेश्वर टेम्पल में जब वो कुछ भी पूजा पाठ करता होगा, अपने आप सोचो, मीन्स वन गॉड ऑनर्ड द अदर, क्योंकि किंग खुद को क्या कहते थे, गॉड फॉर देयर सब्जेक्ट्स, अपने लोगों के लिए वो क्या बन जाते थे, गॉड. तभी वो नाम भी सिमिलर रखते थे, बिकॉज किंग वांटेड टू अपीयर लाइक अ गॉड. तो एक हिसाब से वो कहते थे टेम्पल में जब भी वो वर्शिप करते थे, मीन्स इट शोड दैट वन गॉड ऑनर्ड द अदर गॉड. एक गॉड दूसरे गॉड की ऑनर कर रहा है. एक गॉड कौन, किंग, दूसरा गॉड कौन, सच में ही भगवान. समझ आई, वन गॉड ऑनर्ड द अदर गॉड, इतना पता चल गया. नेक्स्ट, लार्जेस्ट टेम्पल्स वर कंस्ट्रक्टेड बाय द किंग. अब एक बड़ा सा टेम्पल, अब देवीतला मंदिर जाते हो उसमें एक बहुत मेन जो आपका कहते हो कि मेन जो दरबार है जहाँ पे माता की मेन, गोल्डन टेम्पल भी जाते हैं तो जहाँ पे बाबा जी का मेन प्रकाश है, पता है ना, सेंटर में, जिसे गर्भगृह कहते हैं इसको,
तो साथ में आप गोल्डन टेम्पल में नोट करो, थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे बाबा जी की वहां पे भी प्रकाश हुआ हुआ है ना, बाहर भी हम वहां पे भी माथा टेकते हैं। देवी तालाब में भी तो और देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, और भी तो हैं। आप मेन में होके तो वापस नहीं आते, आप दूसरों को भी तो माथा टेकने जाते हो, सेम एज वो भी करते थे। बड़ा सा टेम्पल बनाते थे और वहां पे वो क्या करते थे, अदर लेसर दैट इज इन द टेम्पल वर गॉड्स एंड गॉडेसेस ऑफ अलाइज एंड सबोर्डिनेट्स ऑफ द रूलर द टेम्पल वास। तो दूसरी जगहों पे उनके जो सबोर्डिनेट्स होते थे ना, उनके गॉड्स एंड गॉडेसेस की वहां पे स्टेचूज होते थे, मूर्तियां होती थी। एक तो खुद का जैसे मेन, फिर साथ में अपने एलाइज जो किंग के साथ, किंग से कम पावरफुल होते थे जैसे, उनकी फिर उनके उनके गॉड्स एंड गॉडेसेस की मूर्तियां वो वहां पे रखवाते थी। ठीक है, अब ऐसे में क्या होता था, टेम्पल जो होते थे, टेम्पल वाज मिनिएचर मॉडल ऑफ वर्ल्ड रूल्ड बाय किंग एंड हिज अलाइज। एज दे वर्शिप देयर डेटिस टुगेदर इन रॉयल टेम्पल, इट सीम्ड एज इट दे ब्रोट द जस्ट रूल ऑफ गॉड ऑन अर्थ। ऐसे कहते फील होता था कि जैसे भगवान का ही रूल आ गया इस धरती पे। कितने देवी देवताओं की पूजा होनी एक रॉयल पैलेस में, टेम्पल में, जब इतने देवी देवताओं की पूजा होनी। किंग ने अपने देवी देवताओं की पूजा करनी, जो उसके सबोर्डिनेट होते थे वो अपनों की करते थे। तो ऐसे शो होता था जैसे रूल ऑफ द गॉड आ चुका है। ठीक है, ऐसे फीलिंग आती थी लोगों को, रूल ऑफ द गॉड है इस पे। तो इससे किंग को सपोर्ट मिलती थी लोगों की, कि किंग जो है वो बहुत अच्छा है, वो दूसरे हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करता है। हर कोई अपने भगवान में अपना डिफरेंट डिफरेंट वो स्टैचूस लगवाते थे टेम्पल्स में, उनके जो सबोर्डिनेट्स होते थे, सबोर्डिनेट्स आई टोल्ड यू जो किंग से कम पावरफुल होते थे, लेस पावरफुल, पता ना सबोर्डिनेट्स, तो उनको तो ऐसे अपीयर होता था, ऐसे फीलिंग आती थी जब वो, व्हेन दे वर्शिप इन आर रॉयल टेम्पल, जब वो एक रॉयल टेम्पल में पूजा करते थे सब मिलके, तो इट शोड दैट द रूल ऑफ गॉड केम ऑन दिस अर्थ, के भगवान का ही रूल आ चुका है इस धरती पे। ऐसे फीलिंग आती थी लोगों को। इतना पता चला, क्यों बनाते थे टेम्पल्स, क्यों बनाते थे मॉस्क्यूज, क्यों बनाते थे टैंक्स, अब किसकी मूर्तियां लगवाते थे, मेन खुद अपने आप को क्या शो करते थे, जस्ट लाइक गॉड, नेम सिमिलर रखते थे गॉड के साथ, अपने आप को गॉड कहते थे लोगों के लिए। और साथ में टेम्पल में एक बड़ा सा टेम्पल कंस्ट्रक्ट करके उसमें डिफरेंट डिफरेंट गॉड्स एंड गॉडेसेस की मूर्तियां रखवाते थे। जब वो पूजा होती थी उस टेम्पल्स में, तो ऐसे शो होता था जैसे रूल ऑफ गॉड आ चुका है इस धरती पे। ठीक है, तो इस वजह से ही वो सब कुछ करते थे। अब मुस्लिम सुल्तान, अब हमारे किंग तो मैंने अभी जो पढ़े हैं वो अपने आप को क्या शो करते थे, जस्ट लाइक गॉड। अब जो मुस्लिम सुल्तान थे ना एंड पादशाह, डिड नॉट क्लेम टू बी द इनकारनेशन ऑफ गॉड, वो नहीं कहते थे अपने आप को कि वो भगवान का अवतार है, वो नहीं कहते थे। मुस्लिम पादशाह एंड सुल्तान, दे डिड नॉट क्लेम देमसेल्व्स एज द इनकारनेशन ऑफ गॉड। इनकारनेशन होता है अवतार, वो अपने आप को क्या नहीं कहते थे कि वो भगवान का अवतार नहीं है, वो नहीं कहते थे अपने आप को। ठीक है, बट पर्शियन कोर्ट क्रॉनिकलर डिस्क्राइब द सुल्तान एज शेडो ऑफ गॉड, उनको कहा जाता था ये भगवान की परछाई है। पर्शियन क्रॉनिकलर ने क्या कहा कि ये शेडो ऑफ गॉड है। किसको बोला शेडो ऑफ गॉड, मुस्लिम सुल्तान एंड पाशा, क्योंकि वो अपने आप को क्या नहीं कहते थे, इनकारनेशन ऑफ गॉड, वो नहीं कहते थे। बट पर्शियन क्रॉनिकलर ने उनको क्या नाम दिया, शेडो ऑफ गॉड, शेडो अवतार, भगवान का अवतार, उन्होंने कहा कि भगवान की परछाई है। पर्शियन क्रॉनिकलर ने कहा शेडो ऑफ गॉड। ऑल इंस्क्रिप्शन इन फतुल इस्लाम मॉस्क्यूज एक्सप्लेन दैट गॉड, वो कहते थे कि गॉड ने ना अलाउद्दीन को चूज किया है किंग, गॉड ने कहते उसे चूज किया किंग, बिकॉज ही हैड द क्वालिटीज ऑफ मोसेस एंड सोलोमन। उन्होंने कहा कि गॉड ने खुद ही अलाउद्दीन को चूज किया है, बिकॉज अलाउद्दीन में मोसेस एंड सोलोमन की क्वालिटी है। मोसेस कौन था, प्रॉफिट हु लेड द रियल, लिसन अगेन, प्रॉफिट हु लेड द इजराइल पीपल आउट ऑफ इजिप्टियन स्लेवरी।
prophet who led the Israel people out of Egyptian slavery. वो prophet जिसने इज़राइल के लोगों को इजिप्ट की स्लेव रूल से बाहर किया, मींस लोगों को स्लेवरी से फ्रीडम दिलवाई, ठीक है? मोसेस, मोसेस कौन? प्रॉफेट, जिसने किसको फ्रीडम दिलवाई? इजिप्ट के लोगों को, किससे? सॉरी, इज़राइल के लोगों को किससे फ्रीडम दिलवाई? इजिप्ट से. इजिप्ट वालों ने इज़राइल को स्लेव बना के रखा हुआ था, तो इन्होंने प्रॉफेट ने उनको फ्रीडम दिलवाई. तो उन्होंने कहा कि अलाउद्दीन में ऐसी क्वालिटीज हैं, अलाउद्दीन स्लेव रूल से फ्रीडम दिलवा सकता है, ठीक है? साथ में सोलोमन का नाम दिया, सोलोमन सन ऑफ इज़राइल किंग, सन ऑफ इज़राइल किंग. तो इसलिए उन्होंने उसको नाम दिया अलाउद्दीन को मोसेस एंड सोलोमन, कि उसमें ऐसी क्वालिटीज हैं, दैट्स व्हाई ही सिलेक्टेड बाय गॉड एज किंग. उन्होंने, मैंने अभी बोला है, मुस्लिम सुल्तान्स एंड पाशास, दे डिड नॉट क्लेम देमसेल्व्स एज द इनकार्नेशन ऑफ गॉड, बट पर्शियन क्रॉनिकलर ने क्या बोला उनको? शेडो ऑफ गॉड. और साथ में कहा कि अलाउद्दीन अलाउद्दीन जो है वो, उसे भगवान ने खुद, ही वाज सिलेक्टेड बाय गॉड एज किंग, उसे खुद ही कहते भगवान ने सिलेक्ट किया एज ए किंग, बिकॉज अलाउद्दीन हैड द क्वालिटीज ऑफ मोसेस एंड सोलोमन. मोसेस कौन? किसको मोसेस कहा गया? प्रॉफेट को. उस प्रॉफेट ने किसको फ्रीडम दिलवाई? इसराइल के लोगों को. किससे? इजिप्ट की स्लेव रूल से, ठीक है? एंड सोलोमन सन ऑफ द किंग ऑफ इज़राइल, तो उसमें ऐसी क्वालिटीज हैं, दैट्स व्हाई ही सिलेक्टेड बाय द किंग एज द, ही सिलेक्टेड एज अ किंग बाय द गॉड. तो ये सब कुछ उन्होंने कहा. ग्रेटेस्ट लॉ गिवर एंड आर्किटेक्ट वॉज गॉड हिमसेल्फ. वो कहते थे जो सबसे बड़ा, जो इंसाफ करने वाला है ना, वो भगवान खुद ही है. हिमसेल्फ गॉड ही है. लॉ गिवर कौन है? भगवान. उसी ने इस वर्ल्ड को क्रिएट किया एंड इंट्रोड्यूस्ड ऑर्डर. भगवान, वो कहते थे भगवान सबसे बड़ा लॉ गिवर कौन है? नॉट किंग. कौन है? गॉड हिमसेल्फ. लॉ गिवर कौन है? गॉड. इस वर्ल्ड को क्रिएट किसने किया? गॉड. तो दिस इज अबाउट द मुस्लिम्स, ठीक है? मैंने पहले हिंदू रूलर्स के बारे में बताया कि वो अपने आप को खुद ही भगवान कहते होते थे. वो अपने नाम तक भगवान के साथ जोड़ लेते थे, ताकि वो लोगों को, लोगों के सामने क्या शो करते थे? गॉड फॉर पीपल, ठीक है? तो वो ऐसे रिचुअल्स परफॉर्म करते थे, सच एज वो रिचुअल्स क्या शो करते थे? रूल किसका आ चुका है इस धरती पे? रूल ऑफ गॉड. तो मुस्लिम्स का हमने पढ़ा कि वो अपने आप को कभी नहीं कहते थे इनकार्नेशन ऑफ गॉड. पर्शियन क्रॉनिकलर ने जरूर कहा है कि वो शेडो ऑफ गॉड है, ठीक है ना? हमने इतना पढ़ा. और वो कहते थे कि अलाउद्दीन जो है ना, ही वाज सिलेक्टेड एज किंग बाय गॉड हिमसेल्फ. उसे गॉड ने किंग बनाया. क्यों? क्योंकि उसमें क्वालिटीज हैं. कौन सी क्वालिटी? कैसी क्वालिटीज हैं? मोसेस एंड सोलोमन वाली क्वालिटीज हैं. तो इस वजह से वो कहते हैं उसको तो भगवान ने खुद ही सिलेक्ट किया एज ए किंग. पर वो कहते थे सबसे बड़ा लॉ गिवर कौन है? गॉड हिमसेल्फ. एंड ही क्रिएटेड दिस वर्ल्ड. गॉड ने इस वर्ल्ड को क्रिएट किया और उसे सिस्टमेटिक वे से चला भी दिया. तो दिस इज अबाउट मुस्लिम्स. नेक्स्ट, किंग वॉन्टेड टू एम्फेसाइज देअर मोरल राइट टू बी रूलर्स. Constructing places of worship provided rulers with the chance to proclaim their close relationship with God. अब किंग खुद ही टेम्पल बनवाते थे, क्योंकि इससे उनकी क्लोज रिलेशनशिप विद गॉड शो होती थी, इससे उनकी डिवोशन शो होती थी. लोगों को लगता था कि हमारा किंग जो है वो रिलीजन में बिलीव करने वाला है, ये किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करेगा, ये रिलीजन में बिलीव करता है. तो इसीलिए रूलर्स जो थे वो टेम्पल्स बनवाते थे. Especially important in the age of rapid political change, rulers also offered patronage to learned and pious and tried to transform their capitals and cities into great cultural centers that brought fame to their rule and their kingdom. Realm means kingdom. So king temples banate the. क्यों बनाते थे temples? To show. क्यों बनाते थे? लोगों की support जीतने के लिए. To win the support of the people. Places of worship बनाते थे to proclaim that their close relationship with the God and to transform their capitals and cities into great cultural centers that brought fame to their rule and their kingdom. अब एक मिनट, वैष्णो देवी मंदिर तो वो cultural center बन चुका है. That is not only the center of worship. वहां पे shops बन चुकी हैं,
वहां पे हर तरह के आपको प्रसाद की शॉप मिलेगी। आपको वहां पे अगर आपने कोई और चीजें खरीदनी, आप वहां घूमने गए हो, आपको कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेने, आपको वो भी शॉप्स मिलेंगी। तो वो कल्चरल सेंटर्स बन चुके हैं। वहां पे क्राफ्ट पर्सन रहते हैं, वहां पे प्रीस्ट रहते हैं, गार्लैंड मेकर्स रहते हैं, हर तरह के लोग वहां पे रहते हैं, ठीक है ना। तो वो सिर्फ एक सेंटर ऑफ वर्शिप नहीं रह गए, वो कल्चरल हब ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज भी हो गए। वहां पे क्राफ्ट पर्सन रहते हैं, वहां पे हर तरह के आपको लोग मिलेंगे। इट मीन्स सेंटर टेम्पल्स जो थे वो एक सेंटर ऑफ वर्शिप नहीं थे, क्या बन चुके थे? हब ऑफ वेरियस एक्टिविटीज, कल्चरल एक्टिविटीज। तो इस वजह से, तो उससे नाम किसका पॉपुलर होना है? किंग का नेम पॉपुलर होना है, उसकी किंगडम का नेम पॉपुलर होना है। तो इट मीन्स किंग इसीलिए टेम्पल बनाते हैं। और टेम्पल सिर्फ हब ऑफ, सिर्फ मेन सेंटर ऑफ वर्शिप नहीं थे, टेम्पल्स बिकेम द हब ऑफ वेरियस एक्टिविटीज। एजुकेशनल सेंटर्स बन चुके थे, क्योंकि जो प्रीस्ट होते थे वहीं पे बच्चों को पढ़ाते थे। कोई स्कूल्स नहीं होते थे तब, देर वर नो स्कूल्स। बच्चे मंदिरों में जाते थे पढ़ने के लिए, अपने प्रीस्ट से पढ़ते थे, वो पढ़ाते थे उनको। आपने द्रोणाचार्य से पढ़ते हुए देखे है ना। हाँ, तो ये टेम्पल्स जो थे वो सिर्फ सेंटर ऑफ वर्शिप नहीं थे, दे बिकेम द हब ऑफ वेरियस एक्टिविटीज। और इससे नाम किसका पॉपुलर होता था? किंग का। नेक्स्ट इज, इट वॉज वाइडली बिलीव दैट रूल ऑफ अ जस्ट किंग वुड बी एन एज ऑफ प्लेंटी वेन द हेवंस वुड नॉट विद होल्ड रेन। वो कहते हैं किंग का रूल है ना, जो वो एक गोल्डन पीरियड है जिसमें पीस है, हर तरफ पीस मेंटेन की हुई है। अब किंग क्या बनाते थे? एक, जैसे मैंने अभी बोला है, प्रेशर वाटर रिजर्वर्स। प्रेशर वाटर, जैसे मैंने अभी बताया था, सरोवर, सरोवर बनाते थे किंग, टैंक बनाते थे लोगों के लिए। एंड पीपल यूज दीज सरोवर्स, या ये आप कह सकते हो रिजर्वर्स, फॉर द रिलीजियस पर्पजेस। गोल्डन टेम्पल जाते हो, देवीतला मंदिर जाते हो रिलीजियस पर्पजेस के लिए, वहां पे कई बार स्नान करके आते हो। तो ये सब, तो इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है, सुल्तान इल्तुतमिश वोन यूनिवर्सल रेस्पेक्ट फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ लार्ज रिजर्वर्स। कहाँ पे उसने बनाया? जस्ट आउटसाइड दिल्ली अकुना। दिल्ली अकुना में उसने एक बहुत बड़ा सरोवर बनाया। इट वॉज कॉल्ड होजे सुल्तानी। हु बिल्ट होजे सुल्तानी? इल्तुतमिश, जिसने की कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन को पूरा किया, ठीक है। होजे सुल्तानी किसने बनवाया? इल्तुतमिश। तो होजे सुल्तानी है क्या? व्हाट्स होजे सुल्तानी? रिजर्वर। और इसको और क्या कहेंगे हम? यहाँ आप सरोवर कह सकते हो, यहाँ आप टैंक कह सकते हो, जिसमें पानी भरा होता था, ठीक है, जिसको हम जल कहते हैं। किंग इल्तुतमिश ने बनाया होजे सुल्तानी, ठीक है। अब नेक्स्ट इज, रूलर ओपन कंस्ट्रक्टेड टैंक्स। यहाँ तो वो बहुत बड़े बड़े बनाते थे, यहाँ छोटे छोटे बनाते थे, यूज बाय पीपल। समटाइम्स दीज टैंक्स वर द पार्ट ऑफ टेम्पल और मॉस्क्यू। अब यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ एक छोटा सा टैंक है जामी मस्जिद में। कहाँ पे है? जामी मस्जिद। मॉस्क्यू में भी बनाते थे टैंक, मंदिरों में भी बनाते थे। जामी मस्जिद में वो कहते हैं टैंक बना हुआ है, ठीक है। और गुरुद्वारा, गुरुद्वारा जैसे कि अभी मैंने गोल्डन टेम्पल आपको बताया, गुरुद्वारा प्लेस ऑफ वर्शिप एंड कॉन्ग्रीगेशन फॉर द सिख। कॉन्ग्रीगेशन मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल असेंबल्ड फॉर वर्शिप। कॉन्ग्रीगेशन मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल असेंबल्ड फॉर वर्शिप। गोल्डन टेम्पल में लोग इकट्ठे होते हैं किस बात के लिए? वर्शिप के लिए। तो वहां पे क्या बना हुआ है? एक बहुत बड़ा सरोवर, ठीक है ना। अब वाई द टेम्पल्स डिस्ट्रॉयड। इन प्रीवियस चैप्टर यू हैव रेड अबाउट गजनी, ही अटैक्ड सोमनाथ टेम्पल मैनी टाइम्स, पढ़ा है ना। तो टेम्पल्स पे अटैक क्यों होते थे? क्योंकि टेम्पल्स जो थे वो वहां पे बहुत, आप कह सकते हो कि एक्सपेंसिव स्टैचूज होते थे। तो टेम्पल्स जो थे इन्वेडर्स को अट्रैक्ट करते थे। इन्वेडर्स क्या करते थे? टेम्पल्स को ही अपना मेन टारगेट बनाते थे। लूटेड द टेम्पल्स। एंड आपको मैंने तब भी बताया था, गेटवे ऑफ सोमनाथ टेम्पल स्टिल इज इन गजनी। तो ये देवी देवताओं की स्टैचूज भी वहां से लेके चले जाते थे, और उनको अपने जहाँ पे टेम्पल बनाते थे वहां पे डिस्प्ले कर देते थे।
तो इस वजह से वो टेम्पल्स को ही टारगेट बनाते थे, क्योंकि टेम्पल्स जो थे वो वेल्थ, बहुत वेल्थ वहां पे आप कह सकते हो कि शो करते थे, वहां पे बहुत एक्सपेंसिव स्टैचूज होते थे टेम्पल्स में। अब व्हाई वर टेम्पल्स डिस्ट्रॉयड, एक सिंपल आंसर अगर आपको लिखना पड़े बिना पढ़े तो आप अपने आप बना सकते हो, टेम्पल्स को क्यों डिस्ट्रॉय किया जाता था? लूटपाट के लिए, मेन आंसर इज फॉर लूटिंग, लूटिंग के प्लंडरिंग के लिए, इसीलिए डिस्ट्रॉय करते थे टेम्पल, क्योंकि टेम्पल्स में बहुत एक्सपेंसिव आप कह सकते हो स्टैचूज होते थे, तो जो इन्वेडर होते थे उनका मेन वो टारगेट बन जाते थे कि टेम्पल पे ही अटैक करो, अगर पैसा चाहिए तो टेम्पल पे अटैक करो। दैट्स व्हाई गजनी इन्वेडेड सोमनाथ टेम्पल मेनी टाइम्स ना, वहां पे उसने इसीलिए अटैक किया ना, प्लंडरिंग के लिए आया था ना वो, लूटपाट के लिए। किंग बिल्ड टेम्पल्स टू डेमोस्ट्रेट देयर पावर, अब किंग तो बेचारे ने टेम्पल बनाया अपनी पावर शो करने के लिए, उसने उसमें खूब वेल्थ भी लगाया, पैसा भी लगाया, बड़े बड़े एक्सपेंसिव स्टैचूज भी लगाए, ठीक है ना, पावर एंड वेल्थ शो कर दी। इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट व्हेन दे अटैक्ड वन अनदर्स किंगडम दे ओपन टारगेटेड, मेन टारगेट किसको बनाते थे? टेम्पल्स। इन द अर्ली 19th सेंचुरी पांडियन किंग श्री वल्लभा इन्वेडेड श्रीलंका एंड डिफीटेड द किंग सेना वन। अब यहाँ पे रूलर के नेम बताए हुए हैं कि कैसे पांड्या किंग ने श्री वल्लभा, नेम है रूलर का, इसने सेना वन पे अटैक किया, किस पे अटैक किया? सेना वन, नेम ऑफ द रूलर जिस पे अटैक किया, सेना वन पे ही अटैक। एंड बुद्धिस्ट मॉन्क एंड क्रॉनिकलर, तब का बुद्धिस्ट मॉन्क एंड क्रॉनिकलर, नेम ऑफ द बुद्धिस्ट मॉन्क इज आल्सो मेंशन्ड धम्माकिट्टे, उसने नोट किया दैट जो श्री मरा ना उसने क्या क्या किया, उसने सब कुछ नोट किया। हु नोटेड ऑल द इवेंट? बुद्धिस्ट मॉन्क एंड क्रॉनिकलर, बुद्धिस्ट मॉन्क भी है क्रॉनिकलर भी है, नेम क्या उसका? धम्माकिट्टे। ही नोटेड के क्या किया उसने श्री मरा ने, ही रिमूव्ड ऑल द वैल्यूएबल, कि उसने सारे वैल्यूएबल वहां से ले लिए टेम्पल में से। स्टैचू ऑफ बुद्धा मेड एंटायरली ऑफ गोल्ड इन द ज्वेल पैलेस, उसने ज्वेल पैलेस में से बुद्धा का स्टैचू भी ले लिया जो कि पूरा गोल्ड से बना हुआ था। ऑल दीज ही सीज्ड, द ब्लो टू द प्राइड ऑफ सिन्हालीज रूलर हैड टू बी अवेंज्ड एंड नेक्स्ट सिन्हाली रूलर सेना टू। अब सेना टू जो रूलर था उसने इस बात का बदला लिया, सेना वन के पीरियड में सब कुछ चला गया, हु अटैक? श्री मरा, उसने अटैक किया, क्या लेके गया साथ में? गोल्ड स्टैचू ऑफ बुद्धा एंड ऑल द वैल्यूएबल्स। हु नोटिस्ड ऑल दिस? धम्माकिट्टे। हु वाज धम्माकिट्टे? क्रॉनिकलर, या फिर आप कह सकते हो बुद्धिस्ट मॉन्क। ही नोटिस्ड ऑल दिस। फिर बाद में इस बात का बदला किसने लिया? सेना टू। सेना टू ने सारा ये बदला लिया कि कैसे उसके किंगडम में से ये सारा सामान चला गया, सेना वन के पीरियड में गया, सेना टू ने सारा ये अपना, सेना टू रूलर है, रूलर। सेना टू ऑर्डर्ड हिज जनरल टू इन्वेड मदुराई द कैपिटल ऑफ पांडियन। अब पांडियन किंग ने अटैक किया था ना श्री मरा, तो सेना टू ने उसी की किंगडम पे अटैक कर दिया, पांडियन किंग की किंगडम पे अटैक किया बदला लेने के लिए, ठीक है। बुद्धिस्ट क्रॉनिकलर नोटिस्ड दैट एक्सपेंडिचर मेड स्पेशल एफर्ट टू फाइंड द रीस्टोर गोल्ड स्टैचू ऑफ द बुद्धा। अब वो वापस क्या ले आए साथ में? गोल्ड स्टैचू ऑफ बुद्धा अपने साथ वापस ले आए, जो कि श्री मरा वहां से लेके गया था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सेना वन। कौन वापस लेके आया? सेना टू। उसने पांडियन किंग की कैपिटल सिटी मदुराई पे अटैक किया एंड ब्रोट बैक द गोल्ड स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा। हु नोटिस्ड ऑल दीज? धम्माकिट्टे, बुद्धिस्ट मॉन्क, ठीक है। अभी आपको पता चल गया श्री मरा पांडियन किंग अटैक द किसपे अटैक किया? श्रीलंका। श्रीलंका में आपको पता है जो लोग रहते हैं उन्हें सिन्हालीज कहते हैं, सिन्हालीज कहते हैं, वो सिन्हालीज है, उनका मेन रिलीजन बुद्धिज्म है, उनकी लैंग्वेज भी सिन्हाला है, सिन्हाला लैंग्वेज जिसकी मेन रिलीजन श्रीलंका का बुद्धिज्म है। तो वहां से उसने नोट किया कि कैसे वो धम्माकिट्टे ने नोट किया कि कैसे बुद्धिस्ट गौतम बुद्ध का वो स्टैचू ले गया। कौन लेके गया? श्री मरा। किसके पीरियड में लेके गया? सेना वन। Who attacked again
मदुराई पांडन सेना टू, और वापस क्या लेके आया, रीस्टोर गोल्ड स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा। ये सब किसने नोट किया, दमा की टीम। अब सेम, अब टेम्पल्स पे जो टैप करते थे वही हम और भी आगे करेंगे। अब इन्होंने फिर बताया चोला किंग राजेंद्र वन बिल्ट अ शिवा टेम्पल। चोला किंग राजेंद्र वन ने कौन सा टेम्पल बनाया, शिवा टेम्पल इन हिज कैपिटल। ही फिल्ड इट विद प्राइज्ड स्टैचूज सीज्ड फ्रॉम डिफीटेड रूलर्स एंड इनकम्प्लीट लिस्ट इंक्लूडेड। अब देखो किसने बनाया, चोला किंग ने क्या बनाया, शिवा टेम्पल। नेम ऑफ द चोला किंग राजेंद्र वन। क्या बनाया, आप पढ़ चुके राजेंद्र वन के बारे में, ठीक है ना। तो विजयालय का बेटा राजेंद्र वन, फिर राजा राजा राजेंद्र पढ़ा है ना ये सारा। तो राजेंद्र वन ने क्या बनाया, टेम्पल, शिवा टेम्पल। उसमें उसने सारे वही स्टैचूज रखे जो खुद वो प्लंडरिंग से लाया था। कहां से लाया था, लूटपाट करके, खुद वो प्लंडरिंग करके लाया था, खुद लूट के लाया था। तो कहते हैं हमारे पास इनकम्प्लीट लिस्ट है। अब इसमें कौन कौन से हैं, सन पेडेस्टल फ्रॉम द चालुक्यास, चालुक्यास से छीन के लाया, गणेशा स्टैचू एंड सेवरल स्टैचूज ऑफ दुर्गा, नंदी स्टैचू फ्रॉम ईस्टर्न चालुक्यास, ये सब चालुक्यास से छीन के लाया था, और अपना जो टेम्पल बनाया ना शिवा टेम्पल उसमें सब लगा दिए। तो ये लोग ऐसे करते थे, दूसरों से छीन के लाते थे, दूसरों के किंगडम पे अटैक करते थे, एंड टारगेट किसको बनाते थे, टेम्पल्स पे, टेम्पल्स को, और वहां से सब लूटपाट करके अपने खुद के टेम्पल बना के वहां पे उसको लगा देते थे। भैरव एंड भैरवी, ये सब कलिंगा ऑफ उड़ीसा ऐसे लेके आया वो, ठीक है। काली स्टैचू पालाज ऑफ बंगाल से छीन के लाया था। ये कौन लाया, सब कुछ छीन के, राजेंद्र वान सारा उसका। कहते हैं हमारे पास इनकम्प्लीट लिस्ट है, हिस्टोरियंस कहते हैं वो इतने स्टैचूज उसके पास थे, उसने अपने टेम्पल में सब वहां पे डिस्क्राइब कर दिए। नेक्स्ट, अब आ गया गजनी। गजनी मैंने पहले ही बोला था, गजनी आल्सो अटैक्ड सोमनाथ टेम्पल सो मेनी टाइम्स फॉर प्लंडरिंग ओनली। गजनी अटैक्ड सोमनाथ टेम्पल ओनली फॉर प्लंडरिंग, प्लंडरिंग के लिए उसने अटैक किया था, एंड साथ में लूटपाट के लिए आप कह सकते हो, लूटपाट एंड प्लंडरिंग इज सेम थिंग। सुल्तान महमूद वाज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट रूलर एट दैट टाइम, बट बाय डिस्ट्रॉइंग टेम्पल्स एस्पेशली द सोमनाथ ही ट्राइड टू विन क्रेडिट एज अ ग्रेट हीरो ऑफ इस्लाम। अब वो कहते इतना पॉपुलर तो था नहीं गजनी, बट वो पॉपुलर बन गया। कैसे बना, लूटपाट करके, और क्या कहा गया उसे, हीरो ऑफ इस्लाम, क्योंकि उसने टेम्पल्स पे अटैक किया, मुस्लिम था, किस पे अटैक किया, तो इस्लाम में वो क्या बन गया, इस्लाम रिलीजन, हीरो ऑफ इस्लाम। तो वो कहते इतना पॉपुलर नहीं था, बट इतनी बार टेम्पल्स पे अटैक किया, सोमनाथ टेम्पल पे, टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिया उसने, डिस्ट्रक्शन की इतनी ज्यादा, लूटपाट की, तो उसको कंसिडर किया जाने लगा हीरो ऑफ इस्लाम इन द बच्चे उसने हीरो ऑफ इस्लाम मुस्लिम रिलीजन में वो पॉपुलर हो गया। नेक्स्ट इज इन द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ मिडिल एजेस मोस्ट रूलर्स डिस्प्लेड देयर पॉलिटिकल माइट द मिलिट्री सक्सेस बाय अटैकिंग एंड लूटिंग द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एंड डिफीटेड रूलर्स। वो कहते अपनी पॉलिटिकल पावर भी ऐसे ही शो करते थे। एक मिनट, एक हिसाब से तो प्लंडरिंग भी हो गई, साथ में पॉलिटिकली पावरफुल भी हो गए, क्योंकि अगर किसी एक किंगडम को आप हराओगे तो आप पॉलिटिकली पावरफुल हो जाओगे ना। तो एक हिसाब से वो पॉलिटिकली पावरफुल भी हो रहे थे, एंड साथ में अपने रिलीजन से भी उन्हें इंपॉर्टेंस मिल रही थी। फॉर एग्जाम्पल गजनी क्या बन गया, पॉपुलर तो था नहीं वो, तो बट वो बन गया हीरो ऑफ इस्लाम बिकॉज ही डिस्ट्रक्टेड द टेम्पल्स, मुस्लिम होके उसने टेम्पल्स की डिस्ट्रक्शन की थी, ठीक है। तो वो बन गया हीरो ऑफ इस्लाम।